व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? आज हम वापस से मिल चुके हैं, या फिर पहले हम मिले थे लेकिन वो वीडियोस मैंने सारी डिलीट कर दिए मेरे चैनल से। हम मिल चुके हैं माइनक्राफ्ट में। तो गाइस, पहली भी जो मेरी वीडियो थी माइनक्राफ्ट की, यानी पहले यही सर्वाइवल सीरीज में बता रहा था माइनक्राफ्ट में, लेकिन उसमें आपने बहुत बुरा रिस्पॉन्स दिया था, इसलिए मैंने सारी वीडियोज़ डिलीट कर दी, क्योंकि उसमें इतना रिस्पॉन्स भी अच्छा था नहीं इसलिए। और अभी मैंने देखा ना, तो मैंने बीच में माइनक्राफ्ट भी डिलीट कर दी थी वहाँ में दूसरा वर्जन लेने टाइम, इसलिए ये वर्ल्ड मेरा चला गया था। और ये वर्ल्ड काफ़ी पुराना है, जब मेरी ये स्किन भी नहीं थी। मैं पहले आपको स्किन दिखा दूँगा, दिखा देता हूँ। ओके, ये है स्किन, जब भी मेरी ये स्किन भी नहीं थी। और मेरी वो स्किन थी जिस साइड से मैंने एक वीडियो डाली है, हाँ डाली है, मैंने 4 वीडियोस डाली है, वो वाली स्किन थी। और ये वाला, और ये काफ़ी पुराना है, जिसमें मेरा माइनिंग एरिया, मैंने वो सब करके आयरन का आर्मर और वो सब लिया था। और ये सब जो देख रहे हो आप, स्टोन का, स्टोन एक्स और स्टोन पिकेक्स और वुड और वो सब। और यहाँ पर मैंने MLG एरिया भी बनाया था, वैसे खैर मेरी एक भी MLG हुई नहीं। तो मैं आपको जल्दी से अपना हमारा माइनिंग एरिया दिखा देता। तो गाइज, यहाँ है मेरा माइनिंग एरिया, यहाँ से मैंने पूरा आयरन का आर्मर और वो पहन लेता हूँ। पहले आयरन का आर्मर और वो मैंने यहीं से बनाया था सब, माइन करके। यानी पहले यहाँ पे थोड़ा खड्डा था, लेकिन इतना सारा खड्डा नहीं था जिसे मैंने माइन कर करके बनाया है। और देखते हैं चेस्ट में क्या क्या है। और गाइज, ये भाई, ये मेरा डॉगी, इसका नाम मैंने रखा नहीं है, क्या रखो आप बताइए कमेंट्स में, वरना मैं भी सोच ही लेता हूँ। और गाइस, ये इतना पुराना वर्ल्ड है कि जब मेरा यूट्यूब चैनल खैर स्टार्ट ही हुआ था, तभी मैंने वीडियो डाली थी। पहली वीडियो ड्राइंग की थी और दूसरी कौन सी गेम प्ले की थी, उसके बाद इसकी MLG की वीडियो आई थी। उसके बाद मैंने सर्वाइवल सीरीज शुरू कर दी, लेकिन उसमें रैंकिंग आपने सुना ही है, अभी 10 के नीचे व्यूज़ थे सारे, इसलिए मैंने डिलीट कर दी। और फिर जब मैंने माइनक्राफ्ट ली और साइन इन किया, ये क्या आ गया, साइन इन किया, और तभी मेरा ये वर्ल्ड वापस आ गया। तो गाइस, मैंने सोचा कि चलो वापस से हम वापस शुरुआत करते सब, और मैं बता देता हूँ ये सब कहानी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते। और मैंने पिछली बार यहाँ एंड किया था, मैं यहाँ एक छोटा सा कमरा बनाने वाला था। ओके, तो अभी जल्दी से यहाँ कमरा बनाने के लिए हमारा ये एरिया तोड़ना पड़ेगा, यानी ये एक ही मैंने टाइम पास के लिए बना दिया था, तो जल्दी से ये तोड़ते। तो गाइज, मैंने यहाँ वो एरिया हटा दिया है, और अभी ये भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ही छोटा कमरा बनने वाला है। तो यहीं से हमें पहले ये एरिया हटा के, और ये एक जो दूसरा वो स्लैब्स और वो सब रख के, फिर ये स्लैब एक्सपांड करने होंगे, और वहाँ वो ही एरिया से हमें वापस से, आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले ये मैं एरिया क्लीन करके ही मिलता हूँ, क्योंकि ये बहुत बुरा दिख रहा है और हमारे पास जगह भी चाहिए हमें वो एरिया के लिए। गाइज, ये माइन करने से पहले मुझे पता चला कि मेरे पास 3 पिकैक्स है, कि मैं जब माइनिंग पे गया था तभी मैंने बनाई थी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अभी जल्दी से मैं काम करने पर लगता हूँ, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगेगा, या फिर शायद से नहीं। तो गाइज, आई थिंक कितना एरिया इनफ होगा उसके लिए। तो हमारे पास 18 वुड के प्लैंक्स है, और मैंने एक शवल बना ली थी वुड की, इसलिए हमारे पास कम प्लैंक्स है। तो अभी मैं देखता हूँ चेस्ट में प्लैंक्स पड़े या नहीं, वरना उन्हें भी तोड़ने जाना पड़ेगा। और गाइज, इधर की डेकोरेशन भी अभी थोड़ी सी बाकी है, उसके लिए हमें सैंड चाहिए। ओके, अच्छा वुड, अच्छा खासा वुड है यहाँ पर, उसके लिए हमें सैंड चाहिए, क्योंकि ग्लासेस बनाने के लिए। ओके, तो इसको भी ले लेते हैं, स्लैब्स, ठीक है, स्लैब्स अभी यहाँ ही रख देता हूँ मैं सारे। नहीं, क्राफ्टिंग टेबल इधर ही है, ये क्राफ्टिंग टेबल चाहिए हमें, और इसको कन्वर्ट करना है। हाँ, तो ओके, ये हो गया। ओके गाइस, तो हमें बीच में का सारा एरिया ब्लैक ओक से भरना है, क्या नाम है, हाँ डार्क ओक से भरना है, और साइड का एरिया इस चीज़ से भरना है वाइट, ताकि कॉम्बिनेशन अच्छा दिखे। तो अभी पहले वाइट का ही काम है, तो वो ले लेता हूँ, क्योंकि डार्क ओक हमारे पास ज़्यादा है वाइट से।
ओके गाइस कितने हुए, 1 2 3 4, हाँ ओके चार हो गए, 4 5। अबे यार गाइस ये एरो लेके खेलना मुझे अभी ठीक से जमा नहीं है, जल्दी जम जाएगा यानी खेलना आ जाएगा मुझे इस एरो से। अबे यार छी गाइस, तो पहले सो के आते हैं। और फिर हमारे पेट को भी लेके जाएंगे काम पे और उसको दिखाएंगे, ये देख ऐसे करते हैं काम। ओके तो हमने सो लिया है, चल आ जा भाई, तू भी आ जा तू भी आ जा, आना जान दो उसे, आ रहा है भाई तू, आया। ओके गाइस हमें शायद से ज़्यादा ही लगेंगे क्योंकि साइड के कॉर्नर्स जो है वो भी इससे ही करने हैं। अबे साइड को, हाँ ओके, छोटा कमरा नहीं है शायद से, हमें इसे और छोटा करना चाहिए। मैं आपको इसके आउटलाइन ले लगा के ही मिलता हूँ गाइस। तो गाइस मैंने इसके आउटलाइन बना दिए, तो ये है इसके आउटलाइन। अभी जल्दी से इसे बीच में से ये डार्क को, यानी ये तो लॉग है, कहाँ गया वो, हाँ इससे भरते हैं। और बीच में मुझे वाइट कलर की जो ये वुड थी ओक प्लैंक्स वो मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं माइनिंग करने चला गया, वहाँ पर मुझे सैंड भी दिख गई थी। तो अभी जल्दी से मैं इनसे डार्क ओक प्लैंक्स से ये बीच में का और ये छत भरता हूँ और टॉर्च पहले लगा देता हूँ, वरना फिर टॉर्च कहाँ लग जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ओके घर में, ओके तो अभी जल्दी से घर डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, यानी आउट कवर करना शुरू करते हैं। तो गाइज मैं ये काम कर रहा था तभी मैंने देखा ये मस्त व्यू आ रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ। यार ये चला क्यों गया इतनी जल्दी, ठीक है जान दो अब जल्दी से काम कंप्लीट करते हैं। तो गाइज आखिरकार बन चुका है हमारा जो स्मॉल रूम था वो, और इसका गेट यहीं कहीं बाहर नहीं, ये रूम से जुड़ा होगा जो हमारा बड़ा रूम है। तो अभी ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और यहाँ पे आपको ज़्यादातर मैंने स्टोरी सुनाई इसलिए सॉरी। तो आपको दूसरी वीडियो कौन सी चाहिए बताना कमेंट में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।